हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है बिना जाने न बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी अपने पुत्र के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। पुत्र ने ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठने के लिए जिद की। पुत्र को पिता ने उसे खिड़की वाली सीट पर बैठने के लिए दे दी और खुद दूसरी सीट पर बैठ गया। आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए थे, सबको यह देखकर अच्छा लगा। अब जैसे ही ट्रेन चलती है, लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, पिताजी वह देखिए, बादल पीछे जा रहे हैं। पिताजी ऊपर देखो, हमसे बादल पीछे जा रहे हैं। पिताजी गाड़ी देखो, पीछे निकल रही है। पिताजी पेड़ देखें, पीछे जा रहे हैं। और जोर जोर से चिल्लाता रहा और अजीब गरीब हरकतें करता रहा। वहाँ पर बैठे सभी लोग उसकी हरकतें देखकर उसे दिमागी रोगी समझ रहे थे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने उसके पिता से कहा, आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता का जवाब था, मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। यह अंधा था, इसकी आंखें दूसरी लगाई गई हैं, अब इसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह उसी प्रकार खुश है जब किसी चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद किया जाता है और वह उड़कर पूरा आसमान घूमती है। वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने उसके पिता से माफ़ी मांगी और वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गए। इस प्रेरक प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में न जानते हुए उसके विषय में आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या पता वह उस क्षेत्र का खिलाड़ी हो। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम जीवन में आने वाले सभी परेशानियों को गंभीरतापूर्वक नहीं सोचते और वही हमें हरा कर चली जाती है और सफलता का रास्ता हमसे दूर होता जा रहा है। तो आपको ये प्रेरक प्रसंग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको एक और प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ एक जहाज में अमेरिका के लिए यात्रा कर रहे थे। उसी जहाज में लगभग 150 जापानी छात्र अमेरिका में विशेष अध्ययन के लिए जा रहे थे। यह जो प्रेरक प्रसंग है, यह देश प्रेम से संबंधित है। जापानी छात्रों में कई धनी और सभ्य घराने के युवक भी थे। स्वामी जी ने उनसे पूछा, आप विद्या अध्ययन के लिए अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ धन की व्यवस्था क्या होगी? उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी जी हम तो जहाज का किराया भी घर से लेकर नहीं चले, जहाज में कार्य करके उसका किराया दे देंगे। अपने राष्ट्र का धन व्यर्थ में क्या खर्च करें? वे सारे छात्र जहाज में सफाई आदि और छोटे बड़े कार्य करके जहाज का किराया दे रहे थे। स्वामी रामतीर्थ उन छात्रों का देश प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र भी अपने देश का इतना ध्यान रखते तो देश में इतना धन का अभाव न होता। तो आपको ये प्रेरक प्रसंग कैसे लगे? अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।